अष्टमी के अवसर पर आस्था स्थल चूड़धार में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सिरमौर व शिमला जिला के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी पहुंचे काफी संख्या में श्रद्धालु। दुर्गा अष्टमी पर गिरिपार में मनाया जाता है आठवां पर्व। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर हिमाचल के प्रमुख आस्था स्थल चूड़धार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। मंगलवार शाम से यहां काफी संख्या में लोग जुटना शुरू हो गए थे और बुधवार को सामान्य से दो गुना से भी ज्यादा लोग यहां दिखाई दिए। मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद चूड़धार में साल दर साल श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। गौरतलब है दुर्गा अष्टमी पर क्षेत्र में आठों पर्व मनाया जाता है और इसे इलाके में छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। माँ भवानी अथवा कुल देवता की पूजा के बाद आठों पर विशेष पारंपरिक सिरमौरी व्यंजन पकाए जाते हैं और शाम के समय हुशु अथवा डाक कहलाने वाली मशाले जलाई जाती है। बुधवार को न्यूज अपलोड किए जाने तक चूड़धार में 700 के करीब श्रद्धालु अथवा पर्यटक पहुँच चुके थे और इनमें हिमाचल के अलावा चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व उत्तराखंड आदि राज्यों के कुछ लोग भी शामिल है। चूड़धार में रात के समय तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है और यहां रास्ते में भी जगह जगह पाला अथवा कोहरा जमने से नोहराधार से चूड़धार की करीब 15 किलोमीटर की यात्रा में अब सामान्य से ज्यादा वक्त श्रद्धालुओं को लग रहा है। कोरोना काल के चलते गत वर्ष से जहां चूड़धार में भंडारे की व्यवस्था नहीं की जा रही है, वहीं उढ़ाऊ पेयजल योजना बंद होने के चलते यहां पानी का संकट भी पैदा गया हो चुका है और अब आलम यह है कि सभी सार्वजनिक शौचालयों को बंद किया जा चुका है। चूड़धार में बेशक हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं मगर सरकार अथवा क्षेत्र के नेताओं द्वारा अब तक यहां धार्मिक पर्यटन के संतोषजनक प्रयास नहीं किए गए थे। नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत नोहराधार चूड़धार ट्रैकिंग रूट का 1.5 करोड़ का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, हालांकि अब तक उक्त रास्ता तैयार नहीं हुआ है। इसके अलावा नोहराधार से चापधार तक चूड़धार संपर्क मार्ग के लिए भी करीब 8.5 करोड़ का बजट नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सांगड़ा के अनुसार विभाग को बजट मिलते ही इस काम के टेंडर शुरू करवाए जाएंगे। आप कहाँ से आए? भैया हम चंडीगढ़ से आए हैं। कैसा लगा आपको इधर? बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम यहाँ पे आए हैं और सुविधा भी काफी अच्छी है। अभी रास्ते वगैरह भी बनने लगे हुए हैं, मैक्सिमम कुछ सालों में बन ही जाएगा। और स्टे करने के लिए भी काफी अच्छा है यहाँ पे, बाकी व्यू, टेम्परेचर बहुत अच्छा है, बहुत मजा है, देख ही सकते हो।